रीडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का है आज दूसरा दिन और डेफिनेटली ग्लोबल बाजारों से जो है ना आज क्लियर कट संकेत देखने को मिल रहे हैं आशीष, और बेहतरीन तेजी जो है हमें डाउ फ्यूचर्स में आती हुई नजर आ रही है। और इसका क्लियर कट इंपैक्ट जो है आप देखिए, ऑलमोस्ट गैप अप ओपनिंग की हम एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं, और एजिक्स निफ्टी लगभग 90 अंकों की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो बेहतरीन सिर्फ जो है इंडिकेटर्स आ रहे हैं बाजार की ओपनिंग किस तरह से होगी, डेफिनेटली पॉजिटिव साइड पर ही संकेत है। डाउ फ्यूचर्स अगर आप देखें तो यहाँ पर भी थोड़ी सी मजबूती जो है शुरुआती सत्र में जब मैं देख रहा था तो बनी हुई थी, पर अभी 40-45 अंकों की गिरावट है, तो मामूली सी गिरावट है, बट डेफिनेटली कल के सत्र में जिस तरह के यूएस मार्केट्स में जो क्लोजिंग थी वहां पर काफी दमदार जो है आपको रिएक्शन आता हुआ नजर आया। खासकर डाव की अगर आप बात करें तो वहां पर ऑलमोस्ट 1% की तेजी के साथ यहां पर कारोबार जो है कंप्लीट होता हुआ नजर आया। लगभग 350 अंकों का यहां पर तेज उछाल हमें देखने को मिला, और यूरोपियन मार्केट्स में भी जर्मनी और साथ ही फ्रांस, ये जो दो इंडाइसेस हैं, यहां पर अच्छा प्रदर्शन कल के सत्र में बनता हुआ नजर आया। एशियन मार्केट से भी आपको जो क्यूज हैं खासकर निकाय से ऑलमोस्ट 1.3-1.4% की तेजी आती हुई नजर आ रही है। तो डेफिनेटली यहां पर काफी ज्यादा पॉजिटिविटी जो है आपको ग्लोबल बाजारों से आते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर टेक और एनर्जी से जुड़े हुए शेयरों में जो है अच्छा खासा उछाल अमेरिकी बाजारों में आता हुआ नजर आया। तो आज देखते हैं कि भारतीय बाजारों की जो स्थिति है वो किस तरह से पैन आउट होती है, और इस बीच हम जो आपके लिए 20 दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज लेकर आते हैं वहां पर कैसी रणनीति है, सबसे पहले आशीष से जानते हैं। देखिए, रणनीति तो पूरी तरीके से खरीदारी करने की, क्योंकि बाजार में आप देखें कल थोड़ा सेंटिमेंट काफी खराब था, है ना, आरबीएल बैंक की खबर के चलते। लेकिन जिस प्रकार से आखिरी 1-1.5 घंटे में बाजार में तेजी आई है, सेंटिमेंट सुधरे हैं, स्टॉक्स ने परफॉर्म करना शुरू किया। इनफैक्ट बैंकिंग स्टॉक जहां पर थोड़ा सा दबाव था, आरबीएल बैंक की भी बात की जाए तो ऑफलोज हुआ और अच्छी खासी रिकवरी के साथ ये स्टॉक जो है बंद हुआ। अब सेंटिमेंट्स अच्छे हैं, अमेरिकन मार्केट्स में भी देखें तो तेजी के साथ कारोबार देखने को मिला था, हालांकि एक्शन लगातार सुस्त रहेगा। कल का भी अगर मैं कैश का टर्नओवर देख रहा था एनएससी में इक्विटी का, तो करीब 40,000 करोड़ के आसपास का, तो लगातार जो टर्नओवर है वो घटता जा रहा है, तो वॉल्यूम्स कम हो रही है। हो सकता है कि 24 सेशन देखने को मिले, लेकिन एक्सपायरी नजदीक है, एक्शन भरपूर देखने को मिलेगा, वायदा बाजार के जो स्टॉक्स हैं बेहद बजिंग देखने को मिलेंगे। तो रणनीति तो आज पूरी तरीके से खरीदारी करने की है, कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं चुना जहां पर बिकवाली कर रहा हूं। कुशल, आपने चुना है कोई? नहीं, इनफैक्ट मैं तो ब्रॉड बेस्ड रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा हूं आज के सत्र में। इनफैक्ट सभी सेक्टर्स मुझे लग रहे हैं कि काफी अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। इनफैक्ट साइक्लिकल स्पेस से कुछ एक स्टॉक जो है मैंने चुने हैं खबरों के दम पर भी, इनफैक्ट जहां पर अपना जो फोकस है वो बना रहेगा, और सभी स्टॉक जो है आज खरीदारी के। बिल्कुल, सभी स्टॉक खरीदारी के, तो फिर शुरुआत कर लेते हैं। पहले बताइए कैश का स्टॉक। देखिए, कैश का स्पेस पे मैंने जो स्टॉक चुना है वो भी खबर के दम पर है, और ये महाराष्ट्र सीमलेस जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। और दरअसल यहां पर पीएससी कंपनी से करीबन 150 करोड़ रुपए के ऑर्डर जो है यहां पर इनको मिलते हुए नजर आए हैं। ईआरडब्ल्यू और सीमलेस पाइप्स के लिए सप्लाई के लिए ये ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली जिस तरह का मूड माहौल है, ग्लोबल सेटअप भी काफी बेहतरीन लग रहा है, तो खासकर मेटल स्पेस जो है हो सकता है कि आज तेजी दिखाती हुई नजर आए, और जिस तरह की खबर का डेवलपमेंट हुआ है उससे भी पॉजिटिविटी आ सकती है। तो 505 रुपए के प्राइसिंग है अभी, आपको खरीद कर चलना है 520 रुपए के लक्ष्य के लिए, 495 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। आशीष, आपका पहला कॉल कौन सा है? चुना है बॉम्बे डाइंग को। यहाँ पर अगर आप देखें तो खरीदारी करनी चाहिए, कल के सत्र में देखें तो बड़ा मैसिव ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है, और इस स्पेस के सभी स्टॉक्स अगर बात की जाए तो रियल एस्टेट हो चाहे टेक्सटाइल हो, दोनों ही अगर आप देखें तो बहुत बजिंग है, और लगातार खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, ब्रेकआउट है, एक ही दिन में बड़ा मूव आ गया, तो हो सकता है कि आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिले, लेकिन स्टॉक तो ऊपर ही जाएगा। 118 रुपए के लक्ष्य के लिए आप बॉम्बे डाइंग में खरीदारी करके चल सकते हैं, करीब 114.60 रुपए की कल की क्लोजिंग है। सेफर साइड 111 रुपए का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और होल्ड कीजिए। स्टॉक जो है आगे मीडियम टर्म में भी आप देखें तो कमाल कर सकता है, लेकिन अगर आप इंट्राडे या बीटीएसटी के हिसाब से देख रहे हैं तो स्टॉक में जो है 118 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करनी चाहिए। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की। फ्यूचर्स में काफी लंबे समय के बाद स्टॉक रडार पर आया यूपीएल, यहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। बाजार की वीकनेस का देखें तो स्टॉक के ऊपर ज्यादा असर देखने को नहीं मिला, इनफैक्ट रोज थोड़ी थोड़ी सी जो है गेंस यहाँ पर देखने को मिला, हायर हाइज का फॉर्मेशन जो है डेली चार्ट पर देखने को मिलेगा। कैंडल वाइज अगर आप देखें तो जो स्ट्रेंथ है वो कैंडल में नजर आ रही है, दिख रहा है कि लगातार स्टॉक को जो है अक्यूमुलेट किया जा रहा है, खरीदारी हो रही है, हर डिप का इंतजार कर रहे हैं बाजार के जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर खरीदारी करने के लिए। तो यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करनी चाहिए, और वैसे भी आप देखें आज बाजार का जो मूड माहौल है अभी तक जिस प्रकार इसके इंडिकेशन एसजीएक्स निफ्टी आपको दिखा रहा है 90 अंकों की तेजी है, खरीदारी करने में कंफर्ट कहीं ज्यादा नजर आ रहा है। और काफी दिनों के बाद, वैसे तो पिछले हफ्ते हम चर्चा भी कर रहे थे कि अब केमिकल स्टॉक्स भी जो है वो रडार पर आते हुए नजर आ रहे हैं, तो 757 रुपए का जो यूपीएल का फ्यूचर आपको मिल रहा है, 770 रुपए के लक्ष्य लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे, और करीब करीब आप अपनी कॉस्ट से 10 रुपए नीचे का जो है स्टॉप लॉस लाकर खरीदारी कर सकते हैं, ट्रेल करेंगे अपने
प्रॉफिट्स को, और यहाँ पर बढ़िया गेंस देखने को मिल सकते हैं 770, ये टेक्निकली जो लक्ष्य है मुझे नजर आ रहा है, खरीदारी करेंगे। बिल्कुल आशीष, इनफैक्ट केमिकल स्टॉक्स पर आपकी भी नजर बनी हुई है, और कल मैं ये देख रहा था नवीन फ्लोराइन ऑलमोस्ट 6-7% की दमदार तेजी वहां पर भी आती हुई नजर आई है। किरण जी ने भी, जो हमारे एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी हाईलाइट किया था इस स्टॉक को, तो डेफिनेटली यहां पर नजर रखनी चाहिए इस पूरे स्पेस पर। चलिए फ्यूचर्स कैटेगरी में मैंने बैंकिंग स्टॉक चुना है, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस का जो काउंटर है, कल जिस तरह की क्लोजिंग आती हुई दिखी है, इनफैक्ट जो बैंकिंग स्पेस से सपोर्ट आया है आखिरी 1-1.5 घंटे में, वो डेफिनेटली काफी ज्यादा मजबूती बयान कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि HDFC बैंक जिस तरह का यहां पर क्लोजिंग आती हुई दिखी है, 1455-56 रुपए की हाई थे, 1450 की क्लोजिंग है, 1492 हायर साइड पर आपका टारगेट आज के लिए बनेगा, बट 1435 आपको स्टॉप लॉस जो है वो भूलना नहीं है। तो फ्यूचर्स कैटेगरी में HDFC बैंक मुझे काफी पसंद आ रहा है। फार्मा स्पेस यहां पर से भी आपको नजर नहीं हटानी चाहिए, कल के सत्र में भी काफी अच्छा आउट परफॉर्मर ये निकल कर आया, इनफैक्ट मैंने आपको कल अरबिंदो फार्मा बताया था, वहां पर भी 3.75% के गेंस आते हुए नजर आए। तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शंस कैटेगरी में ग्लेनमार्क फार्मा पर यहां पर आपको दिसंबर का नहीं जनवरी का कॉल ऑप्शन जो है वो खरीद कर आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। 510 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है वो आप खरीद कर चलिए, और 24 रुपए की प्राइसिंग है इसका, और डेफिनेटली यहां पर ऑलमोस्ट 35 रुपए के टारगेट यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं, तो यहां पर खरीदारी कीजिए। पर 19 रुपए आपको यहां पर भी स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना होगा। तो बेस्ट ऑप्शन कैटेगरी में ग्लेनमार्क फार्मा मेरी तरफ से, जहां पर आप खरीदारी करने की राय। तो चलिए ऑप्शंस में मैंने, जैसे कि हम चर्चा कर ही रहे थे कि केमिकल स्टॉक्स पर पूरा फोकस बना हुआ है, आरती इंडस्ट्रीज ये स्टॉक मैंने चुना है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो डेली चार्ट पर एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर के ऊपर ब्रेकआउट भी ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पर ऑप्शंस के माध्यम से तेजी बनाएंगे। लेकिन एक खास बात का आपको ध्यान रखना है कि अब क्योंकि एक्सपायरी के लिए 2 दिन ही बचे हैं, तो काफ़ी सारे ब्रोकर्स जो है इस करंट मंथ के जो ऑप्शंस हैं इन्हें डिसेबल कर देते हैं, तो आप इसके अनुसार जो है ट्रेड लेंगे, अगर आपका ब्रोकर अलाउ कर रहा है तो इसी महीने का जो ऑप्शन है वहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, नहीं तो अगले महीने में ट्रेड करें और टारगेट और स्टॉप लॉस उसके अनुसार आपको जो है टाइम वैल्यू कैलकुलेट करके एडजस्ट करना होगा। लेकिन आरती इंडस्ट्रीज ये मान रहा हूँ कि दिन के दौरान 7 से 8 रुपये तक की जो तेजी है यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और ऐसे में जो ऑप्शन है इसकी वैल्यू हो जाएगी 21 रुपये, आपको स्टॉप लॉस लगाना है करीब 6.5 रुपये का, अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो केमिकल स्टॉक्स पर पूरा कन्विक्शन जो है वो बना हुआ है। तो चलिए ऑप्शंस के कॉल्स हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अगली हमारी कैटेगरीज हैं टेक्नो और फंडा पिक। देखिए टेक्नो पिक के आधार पर इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स इस पर नजर है। अब इस पर नजर क्यों है, आप देखिए इसका कल के सत्र में अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे ना आशीष, तो आखिरी आधे पौने घंटे में यहां पर अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी थी, 2.5 से 3% के गेंस जो है यहां पर आते हुए नजर आ रहे थे। आप देखिए आपको चार्ट पे दिखेगा कि लास्ट 15-20 मिनट में यहां पर स्पाइक आया, और इससे जुड़ी हुई एक खबर आती हुई दिखी थी 3:17 पर, जो मैं कल देख रहा था BSE पर, और इसमें यह था कि जो NCLT है, NCLT कटक, उनकी तरफ से ये मंजूरी आती हुई नजर आ रही है कि जो इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स हैं इसमें पर्टिकुलरली जो श्रीकलास्ती पाइप्स है वो मजबूत हुई नजर आएगी। तो डेफिनेटली इसकी वजह से कहीं ना कहीं इस चीज को काफी ज्यादा बूस्टअप मिलता हुआ नजर आया, और कल का जो मोमेंटम है मुझे लग रहा है कि आज भी इस खबर पर फर्दर कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि एक कहीं ना कहीं स्पाइक जो है हमें आखिरी 15-20 मिनट में आती हुई दिखी थी। तो मुझे लग रहा है कि चार्ट स्ट्रक्चर वाइज और जो खबर है उसका इंपैक्ट आज भी कंटिन्यू हो सकता है, इसीलिए इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग पर आपको नजर रखनी है। 33.6 की क्लोजिंग है, 35.50 रुपए आज के लिए टारगेट होगा, पर 33 रुपए आपको स्टॉप लॉस आज के लिए बनाकर चलना है। तो मेरी तरफ से टेक्नो पिक में इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, आपने क्या चुना है इस कैटेगरी में ये आपसे जानते हैं। देखिए थोड़ा महंगा स्टॉक चुना है भाव के हिसाब से, शैफलर इंडिया, यहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। एक बार आपकी स्क्रीन के सामने इसकी लंबी अवधि का चार्ट लेकर आते हैं, और आपको नजर आएगा कि कल के सत्र में अगर आप देखें तो कल ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया, और बहुत बार इशू के दौरान मैंने बताया कि जब कोई भी स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट अटेम्प्ट भी करता है तो स्टॉक रेडार पर आ जाता है, फिर वहां से लगातार तेजी आती है। ये रणनीति काफी बार आपके साथ शेयर की है, और शैफलर इंडिया का चार्ट आपके सामने लेकर आते हैं, और अगर आप देखें तो यहाँ पर कल के सत्र में लंबी अवधि का चार्ट देखें, एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है, अच्छी खासी क्लोजिंग देखने को मिली, 1.5% के गेंस देखने को मिले, लेकिन समाओ तेजी तो आई थी लेकिन वो ऑफ हाइज हो गया, लेकिन स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ बरकरार, स्टॉक लगातार रिडार पड़ेगा। तो इंट्राडे के लिए नहीं, BTST के लिए नहीं, एक महीने का, एक हफ्ते का जो है व्यू बनाकर आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। एक हफ्ते का थोड़ा सा शॉर्ट टर्म है, हो सकता है कि एक महीने तक भी आपको स्टॉक को होल्ड करना पड़े, लेकिन स्ट्रक्चर इतना शानदार है कि यहाँ पर 9,500 तक के जो लक्ष्य हैं वो बड़ी आसानी से विजिबल है और नजर आ रहा है कि हासिल होते हुए नजर आएंगे। एक ही महीने का समय देना है और स्टॉक जो है 9,500-10,000 तक के जो स्तर है वो आपको दिखा सकता है। भाव से डरिएगा नहीं, खरीदारी करिए, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, टेक्निकल्स भी शानदार हैं। शैफलर इंडिया ये मेरी तरफ से टेक्नो पिक है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक, और फंडा पिक में मैंने एक नो ब्रेनर स्टॉक चुना है। FMCG कंपनीज में देखें तो दिग्गज जो MNC कंपनीज है वो नो ब्रेनर है। हम सब जानते हैं कि पिछले 10 साल में क्या प्रकार की जो है वैल्यू क्रिएशन यहाँ पर देखने को मिला है, कितनी
अच्छे गेंस देखने को मिला। और सबसे बढ़िया बात कि जब बाजार गिरता है ना, तब यहाँ पर एक पैनिक मोड जो है वो ट्रिगर नहीं होता। आप ये नहीं देखेंगे कि आप रोजाना आपकी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू 20-20% घट रही है, ऐसा नहीं होता है। ये स्टॉक्स गिरते बाजार में अच्छी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, ज्यादा गिरते नहीं है। और चढ़ते बाजार में भी अगर आप देखें तो थोड़े थोड़े धीरे धीरे गेंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो PNG हाइजीन एंड हेल्थ केयर, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। अगेन एक स्टॉक ऐसा है मेरी लिस्ट में जो थोड़ा सा महंगा, और मैंने काफी बार बताया भी आपको कि जितने भी महंगे स्टॉक्स हैं इनमें मेरा थोड़ा सा बायसनेस है, क्योंकि जब हम बड़ी आसानी से बोलते हैं कि भाव भगवान है, तब इस चीज़ को भूल जाते हैं कि अगर बाजार किसी स्टॉक को इतने ऊपर तरफ से वैल्यू कर रहा है, इतने अच्छे भाव दे रहा है, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण है और एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है यहाँ पर, तो इसको जरूर प्ले करना चाहिए। और फंडामेंटल तौर के पर आप देखें तो कल स्टॉक ने जो है ब्रेकआउट भी दिया है, तो 6 से 9 महीने का समय दीजिए। स्टॉक जो है आपको 18,700 से लेकर 19,000 के स्तर जो है वो दिखाएगा। खरीदारी करनी चाहिए PNG हेल्थ केयर में। बिल्कुल, तो PNG हाइजीन एंड हेल्थ केयर पर आपको फोकस रखना है एज ए फंडा पिक आशीष की तरफ से। यह आती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर इसी कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है बाजार का दिग्गज IT काउंटर TCS को। इनफैक्ट पहले भी मैं आपको मल्टीपल टाइम्स इस स्टॉक पर खरीदारी करने की राय दे चुका हूँ, पर कहीं ना कहीं ये बार बार लौट आता है। जिस तरह से यहाँ पर मूव और मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, और खासकर अगर आप देखें तो पूरे के पूरे IT स्पेस में कहीं ना कहीं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मुझे लग रहा है कि यहाँ पर लीड करते हुए नजर आ सकते हैं। अगर आप लार्ज कैप IT स्पेस की बात करें, मिड कैप में तो काफ़ी सारे नाम्स हैं और वहाँ पर अच्छी तेजी अलग अलग पॉकेट्स में आपको देखने को मिल रही है लगातार। कल मैंने आपको सोनाटा सॉफ्टवेयर भी बताया था, वहाँ पर भी 2.5 से 3% की दमदार तेजी हमें देखने को मिली। पर TCS कंपेरेटिवली अगर आप टेक महिंद्रा की बात करें तो कल यहाँ पर भी मैंने आपको जो है ऑप्शंस में सुझाया था इस स्टॉक को, वहाँ पर भी ऑलमोस्ट 3-3.5% की दमदार तेजी के साथ क्लोजिंग होती हुई नजर आई। और अब मेरा रेडार जो पर आया है वो है TCS। इनफैक्ट अगले एक साल में ऑलमोस्ट 20-25% के गेंस तो आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट पिछले साल की मैं बात कर रहा था, तो लास्ट ईयर की अगर आप बात करें दिसंबर 2020 में यहाँ पर ऑलमोस्ट 2800-2900 रुपए के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा था। अब आप देख लीजिए ऑलमोस्ट 3700 रुपए का भाव यहाँ पर देखने को मिल चुका है। पिछले 10 सालों का ट्रेंड जो है ये मैं देख रहा था TCS में, कि इस तरह के लेवल जो है आपको 24-25% जो है सालाना आधार पर गेंस मिलते हुए नजर आए थे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये कंसिस्टेंटली अगेन आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा और अगले एक साल के लिए आप इसमें डेफिनेटली निवेशित हो सकते हैं। इनफैक्ट ईयर वाइज अगर आप पिक बात करेंगे तो TCS मेरी तरफ से होगी, और 4620 रुपए के टारगेट के लिए आज आपको इसमें खरीदारी करने की राय है। चलिए फंडा पिक हमने डिस्कस कर लिया, अब निवेश के लिहाज से जो मैंने काउंटर चुना है आज के लिए वो है अशोक लेलैंड का। इनफैक्ट आज ये मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, बट इसकी अवधि जो है अगले एक साल के लिए भी बनेगी TCS के जैसे ही। अब देखिए यहाँ पर MHCV स्पेस में ये बाजार का दिग्गज प्लेयर है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है, जिस तरह से क्लियर कट अनलॉकिंग होती हुई दिख रही है। और ओमिक्रॉन का एक बड़ा खतरा वापस से हो सकता था कि रिस्ट्रिक्शंस आते हुए नजर आए या फिर लॉकडाउन हो सकते थे, पर उतना बड़ा खतरा अब ओमिक्रॉन को लेकर नहीं है मार्केट में। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो फंडामेंटल स्टोरी है वो अभी भी इसमें इंटैक्ट है, और जैसे जैसे अनलॉकिंग फर्दर होती हुई नजर आएगी कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिहाज से अशोक लेलैंड पर आपको फोकस बनाकर रखना चाहिए। तो 122-123 रुपए की प्राइसिंग है, 160 रुपए 154-155 का 52 वीक हाई है, 160 के लेवल्स अगले एक साल में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आशीष आपकी तरफ से कौन सा पिक? देखिए चुनिए कंपनी इंडियन मेटल्स एंड फेरोअलॉयज, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। सबसे पहले आपको बताता हूँ इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर, डेली चार्ट पर स्विच करके एक बार देखें तो आपको लंबी अवधि के बड़े बड़े राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन नजर आएंगे। और काफी बार हमने स्टॉक में देखा कि जब कंटिन्यूस राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनते हैं और एक दिन बड़ा ब्रेकआउट आता है तब स्टॉक रुकता नहीं। अगर आपको इस स्टॉक को थोड़ा सा कंपैरेटिवली समझना है तो एक बार बलरामपुर चीनी का चार्ट देखेगा कि इसने स्टॉक ने 180 के आसपास कितने बार रेजिस्टेंस बनाया, और जब फाइनली ब्रेक हुआ तो स्टॉक अब देखे 300 के पार खड़ा हुआ है। सिमिलर स्ट्रेंथ जो है इंडियन मेटल्स एंड फेरोअलॉयज में देखने को मिल रही है। इतनी तेजी के बाद भी अगर आप देखें तो राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन जो है पैटर्न अभी पूरा हुआ है, तो ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन होना और बड़ी तेजी आना इसमें बाकी है। अच्छा ये तो वो टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स में बात करूँ तो कंपनी की करीब करीब 94% जो आय है वो एक्सपोर्ट से आती है, और एक्सपोर्ट भी अगर आप देखें तो कहाँ करते हैं, साउथ कोरिया में करते हैं, जापान में करते हैं, पॉस्को जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में जो है इनका एक्सपोर्ट है फेरोक्रोम के लिए। तो ये स्टॉक जो है आगे जाकर कमाल कर सकता है, और वैसे भी लगातार हर बार ये कहा है कि मेटल स्टॉक जो है बाय ऑन डिप्स हैं, कोई भी गिरावट आती है तो एक्युमुलेट करने का बेहतरीन मौका है, और जो छोटे प्लेयर्स हैं इनको अब रिकॉग्निशन मिलेगा क्योंकि कंपनी का साइज 2500 करोड़ है। तो यहाँ से जो गेंस की पोटेंशियल है वो एक्सपोनेंशियल है। 12 महीने का समय दीजिए, ये 900 रुपए का जो इंडियन मेटल्स फेरोअलॉयज है ये आपको बढ़ के करीब करीब 1200 के स्तर दिखा सकता है, यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी कैटेगरी है खबरों के लिहाज से, और खबरों के लिहाज से बहुत ही शानदार स्टॉक पर बहुत बढ़िया खबर आई है, BSE लिमिटेड। यहाँ पर देखिए 8 फरवरी को कंपनी अपने नतीजे जारी करेगी, नतीजे तो देखिए इसके ठीक ठाक हमेशा होते ही हैं, लेकिन बढ़िया बात है कि बोनस शेयर पर ये बोर्ड विचार करेगा,
और स्टॉक देखिए बेहतरीन वैल्यू क्रिएशन करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक ने जिस प्रकार की तेजी बताई, 400 रुपए से लगातार जी बिजनेस पर यह स्टॉक रिकमेंड हुआ, फिलहाल भी 1800-2100 तक के जो स्तर है वो टच करके आ चुका है। अब बोनस आ रहा है तो बेहतरीन वैल्यू क्रिएशन होगी और यहां पर अगर आप देखें तो आपको पोर्टफोलियो में डीमैट में जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। यहां पर खरीदारी करनी चाहिए इंट्राडे के बेसिस पर। वैसे लंबी अवधि के लिहाज से तो स्टॉक जो है बाय एंड फॉरगेट कैटेगरी वाला है। 1900 रुपए का इंट्राडे लक्ष्य होगा, 1815 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो बीएससी लिमिटेड पर लगातार हमारा फोकस बना हुआ है जहां पर आपको नजर रखनी है। खबरों के दम पर मैंने जो स्टॉक चुना है वो है श्याम मेटालिक्स का। इनफैक्ट मेटल स्पेस से मैंने आपको इलेक्ट्रोसिल कास्टिंग्स भी बताया है और मुझे लग रहा है कि यहां पर भी तेजी बन सकती है। तो पर्टिकुलरली इसके लिए सबसे बड़ा कारण ये बन रहा है कि FY22 के जो कैपेक्स प्लान इन्होंने अनाउंस किए थे उसके अनुसार अब यहां पर उड़ीसा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और वेस्ट बंगाल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से इनको कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए मंजूरी मिल चुकी है। इनफैक्ट यहां पर जो इनकी इन्हांस कैपेसिटी है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, खासकर उड़ीसा प्लांट की अगर आप बात करें, और पश्चिम बंगाल में भी यहां पर जो अलग अलग विभिन्न प्रकार के इनके स्टील प्रोडक्ट्स हैं वहां पर भी कैपेसिटी इंक्रीज हुई है 7-6% से लेकर 10% तक। तो डेफिनेटली श्याम मेटालिक्स के लिए अच्छी खबर है। 330 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 314 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए, हमने खबरों के दम पर भी आपको स्टॉक आपके सामने रख दिए हैं। आखिरी कैटेगरी हमारी माय चॉइस की, और यहाँ पर देखिए पहला स्टॉक मैंने चुना हैप्पीएस्ट माइंड्स, यहाँ पर आप खरीदारी करनी चाहिए। आईटी स्टॉक्स लगातार देखें तो हर रोज रडार पर आ रहे, कोई ना कोई स्टॉक ऐसा है जो ब्रेकआउट दे रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड्स को मैंने चुना है, 1360 रुपए के लक्ष्य आप स्टॉक में खरीदारी कीजिए। 1322 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है, 1303 रुपए का लगाना है स्टॉप लॉस। और अगला स्टॉक है रिलीज में गोफिक बायो साइंसेज, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। इससे पहले स्टॉक तब चला था जब ब्लैक फंगस की जो खबरें आ रही थी, इसकी दवा बना रहे हैं, एपीआई बना रहे हैं, उसके चलते स्टॉक में बड़ा मूव आया था, फिर स्टॉक कहीं ना कहीं फेड आउट हो गया, लेकिन अब दोबारा मोमेंटम पकड़ रहा है। पिछले 3-4 दिनों में आप देखें तो वॉल्यूम एक्शन बहुत भरपूर है, ब्रेकआउट की स्थिति है यहाँ पर। तो 255 रुपए का लक्ष्य, 237 का लगाइए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है जिसकी बात कुशल आप भी कर रहे थे, नवीन फ्लोरीन केमिकल स्टॉक जो है, लगातार 3 स्टॉक जो है 10 में से 30% कॉन्सेंट्रेशन मेरा जो है केमिकल स्टॉक्स पर है, क्योंकि यहाँ पर जो है बाजार ने अच्छे करेक्शन के बाद अब अपमूव देना फिर से शुरू किया है। तो 4400 रुपए का लक्ष्य है, करीब 4200 रुपए का लगाइए आप स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो लगातार केमिकल स्टॉक्स हमारे फोकस में हैं और यहाँ पर मैंने भी स्टॉक्स चुने हैं, और कोइंसिडेंटली पहला कॉल माई चॉइस कैटेगरी में LTTS है। यहाँ पर आपको फोकस बनाना है, 2.5-3% की तेजी कल के सत्र में बनी थी तो आज भी यहाँ पर मोमेंटम जो है काफी स्ट्रांग लग रहा है। 5635 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है, 5400 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। दूसरा कॉल है ONGC पर, आप देखिए कल कच्चा तेल ऑलमोस्ट 3-4% के गेंस के साथ क्लोज होता हुआ दिखा, 1 month हाई पर आपको ब्रेंट क्रूड आता हुआ नजर आ रहा है, तो 141 के गेंस के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, 135 रुपए का आपको इसमें भी स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिरी कॉल है टाटा केमिकल्स पर, जहां पर दमदार तेजी आज के सत्र में बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि इसका भी चार्ट स्ट्रक्चर जो है काफी अच्छा बिल्डअप होते हुए नजर आया था सेकंड हाफ पर्टिकुलर में। तो 880 रुपए का प्राइस है, 905 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 870 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए 20 स्टॉक्स की जो लिस्ट है वो तो हो गई पूरी, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है लिस्ट में बॉम्बे डाइंग, यूपीएल के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। केमिकल स्टॉक्स में आएगी तेजी तो आरती इंडस्ट्रीज, यहां पर 970 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली बढ़िया ब्रेकआउट है शैफलर इंडिया में, फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन हेल्थ केयर, यहां पर 18700 रुपए का लक्ष्य होगा। और निवेश के लिहाज से खरीदनी है इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज, 1200 रुपए के लक्ष्य के लिए। आज की सबसे बड़ी खबर बीएससी लिमिटेड, यहां पर 1900 रुपए का लक्ष्य होगा। हैप्पीएस्ट माइंड्स में तेजी आएगी, गोफिक बायो में एक बढ़िया ब्रेकआउट है, 255 का लक्ष्य होगा। नवीन फ्लोरिन में भी तेजी आएगी, 4400 रुपए के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है निवेश के लिहाज से इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज कंपनी की, करीब 90% आय जो है एक्सपोर्ट से आती है, और कंपनी अगर आप देखें तो जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। 1200 रुपए के लक्ष्य लिए आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। बिल्कुल, तो ऑर्डर विन की खबरों पर कैश स्पेस में महाराष्ट्र सीमलेस आपको फोकस में रखना है, 520 के टारगेट के लिए। फ्यूचर्स कैटेगरी में HDFC बैंक काफी पसंद आ रहा है तो यहां पर भी खरीदारी करने की राय है। ऑप्शन के लिहाज से ग्लेनमार्क फार्मा 510 रुपए का जनवरी का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीद कर चलना है टेक्नोपिक के आधार पर। इलेक्ट्रोसिल कास्टिंग्स आखिरी आधे पौने घंटे में अच्छी तेजी इसमें बनती हुई नजर आई है। फंडा पिक के लिहाज से TCS अगले एक साल में 4620 रुपए 20-25% के रिटर्न आपको कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अशोक लेलैंड में भी आपको पूरे साल के लिए निवेशित रहना है, 30% की गेंस यहां पर भी एक्सपेक्टेड है। खबरों के दम पर श्याम मेटालिक्स फोकस में रहेगा, साथ ही माय चॉइस कैटेगरी में LTTS, ONGC और साथ ही टाटा केमिकल्स, ये 3 स्टॉक्स पर नजर बनानी है, तीनों के तीनों खरीदारी की राय। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक है वो है TCS पर, लगातार आप देखिए बेहतरीन रिटर्न्स देते हुए नजर आ रहा है स्टॉक, और अगले एक साल में यहां पर कंफर्टेबली आपको 25% के गेंस देखने को मिल सकते हैं।
तो चलिए हमने आपको रिकैप करके भी बता दिया है कौन से सेट ऑफ ट्रेडिंग आइडियाज और इन्वेस्टमेंट आइडियाज हमारी तरफ से आ रहे हैं ट्रेडर्स डायरी में। पर कल के सत्र में अगर आप देखें तो हमारे भारतीय बाजारों की भी दमदार तेजी हुई और साथ ही ग्लोबल संकेत जो है वो भी काफी पॉजिटिव है। तो किस तरह से आज भारतीय बाजारों की चाल होनी चाहिए, सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में समझने के लिए अनिल सर और दीपांशु के पास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल। गुड मॉर्निंग आशीष। जो सेट ऑफ ट्रेडिंग आइडिया आपने बताया उसी के दम पर बाजार ट्रेड करेंगे बस आज। तो फिर करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव।